रीवा नगर निगम परिषद की बैठक एक बार फिर हंगामेदार रही। अपनी वेतन वृद्धि को लेकर सारे पार्षद एक मत नजर आए। बात जब रीवा शहर की जनता की हुई तो विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। रीवा नगर निगम में आज परिषद बैठक आयोजित की। बैठक में केवल और केवल अगर विवाद नहीं था तो पार्षदों के वेतन वृद्धि को लेकर किसी भी तरीके का विवाद नहीं था। कोई भी बातचीत इस मुद्दे पर नहीं की गई। अगर विवाद हुआ तो जनता के ऊपर टैक्स को लेकर तमाम तरीके का विवाद हुआ, जिसके चलते महापौर सदन छोड़कर भी चले गए। दरअसल बैठक प्रारंभ हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसी दौरान एक मुद्दा आया, शहर में जो भी टैक्स लग रहा है उसको कम करने को लेकर। महापौर ने सतना का उदाहरण देते हुए टैक्स कम करने की बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था सदन नियम कानून से चलती है, नियम के हिसाब से काम करिए, अगर नियम के हिसाब से काम नहीं होगा तो वित्तीय अनियमितता का आरोप भी लग सकता है। इसी दौरान वाद विवाद हुआ, जय श्री राम के नारे भी सदन के अंदर सुनाई दिए, बजरंग बली भी याद किए गए, जमकर जुबानी जंग हुई। परिषद में निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे समझाइश ही देते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। महापौर कांग्रेसी पार्षद ने जनता पर टैक्स का बोझ कम करने का नारा लगाते हुए परिषद से बाहर चले गए। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं नगर निगम परिषद, दिखाते हैं वहां का नज़ारा और सुनाते हैं परिषद अध्यक्ष और महापौर ने क्या कुछ कहा। जनता का टैक्स कम होना चाहिए, जनता का टैक्स कम होना चाहिए, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। चल रही थी आज और महापौर पूरे पार्षद को लेकर बाहर चले गए, क्या इसका पूरा विस्तार है? परिषद की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 2 में महापौर जी और महापौर जी के एमआईसी द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि जनता को टैक्स में राहत देने के लिए, और उसमें आयुक्त का ये वक्तव्य उसमें आया था कि हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे तो अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और अगर इसको हम करते भी हैं तो हमारे पास जो केंद्र से और प्रदेश की योजनाएं चल रही जो कई अरबों की है उसका अंशदान आना भी बंद हो जाएगा और हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसी उसमें बातें चल रही थी, विपक्ष के जो पार्षद थे वो भी अपनी बातें रख रहे थे, वो अगर कोई नियम कानून में हो तो हम उसको लागू करें, जो चीज़ नियम कानून अधिनियम में नहीं है तो सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता लेने के लिए ये सब इस तरह के प्रस्ताव नहीं लाने चाहिए। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की, बोले हमको कहीं जाना है, हमारी पार्टी की बैठक है, वो अपने महापौर जी अपने माजी सदस्य सभी पार्षदों को लेकर यहाँ से नीचे चले गए, जलपान किए, उसके बाद उनकी बैठक में चले गए और उन्होंने परिषद की बैठक छोड़ के जाने का निर्णय किया। इसी दरमियान महापौर जी द्वारा कहा गया कि अक्षम आयुक्त हैं, इन्होंने राजस्व की वसूली नहीं की। विपक्ष के पार्षदों ने कहा कि 54 करोड़ का टारगेट था और आपके द्वारा भी 19 करोड़ की ही वसूली की गई है। उस पर महापौर जी ने अपना वक्तव्य दिया कि आयुक्त अक्षम है, टैक्स वसूलने की जगह में वो लाडली बहना का फॉर्म भरवाते घूम रही थी। उसके बाद आयुक्त को ये बात नागवारा गुजरी
और आयुक्त ने अपना वर्जन वहीं पे परिषद में दिया कि हर वर्ष की जो टैक्स वसूली होती थी उससे ज़्यादा हमने टैक्स वसूली भी किया है, और शासन के जो और दायित्व दिए गए थे, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या जो भी प्रदेश और केंद्र शासन की योजना हो, उसका मैंने क्रियान्वयन भी किया। ये आयुक्त ने अपना वर्जन परिषद में दिया। कौन कौन से बात पास हो गई है आज? प्रस्ताव सभी पास हुए हैं। प्रस्ताव क्रमांक 2 में आयुक्त के जो विचार आए थे उस पर नियम अधिनियम के तहत जो भी हो आयुक्त को निर्णय लेने का सभी सदस्यों ने, जो भी विपक्ष के सदस्य थे उन्होंने। पार्षदों को आप लोग जाना पड़ा, ये क्या मामला है इसका? देखिए, जो परिषद की बैठक है वो गरिमापूर्ण, जो अध्यक्ष हैं हमारे वो गरिमापूर्ण परिषद की बैठक चला ही नहीं पा रहे हैं। वो अध्यक्ष की आसंदी में बैठ के ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक पार्षद के रूप में कार्य कर रहे हैं। परिषद की बैठक में आज बहुत ये 11वीं मतलब परिषद की आज ये बैठक थी, और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, 6वां सम्मेलन था ये, और आज संपत्ति कर स्वनिर्धारण का मामला था जिसमें MIC की जो बैठक थी, जिसमें कमिश्नर के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि गरीबी रेखा से हमारी रमा दुबे जो प्रभारी सदस्य हैं, उन्होंने कहा था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के भवन भूस्वामियों को संपत्ति कर से फूट छूट दी जाए, रीवा नगर निगम के सभी भवन भूस्वामियों को संपत्ति कर में 25% की छूट दी जाए, खाली पड़े डाइवर्टेड परिवर्तित भूमि में लगने वाले संपत्ति कर को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जाए। हमारे MIC के सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल का एक प्रस्ताव था कि जो शिक्षा उपकर 3% सकल में लग रहा है उसको 1% किया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2020-21 में जब यहाँ पर कोई भी पार्षद नहीं था, महापौर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बॉडी नहीं थी, उस समय जो विधायक होता है, सांसद होता है, वो नगर निगम की एक निगरानी समिति होती है, एक तरह से उसका वो मॉनिटरिंग करते हैं। रीवा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, रीवा सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इन्होंने जब मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियम 2020 संशोधित नियम 2021 बनाकर जनता के ऊपर जजिया कर जैसे संपत्ति कर लगाया गया, जो इसका मूल्यांकन हम लोग 5 साल में करते थे उसका मूल्यांकन वो हर साल कराएंगे, कलेक्टर गाइडलाइन पर संपत्ति कर बढ़ा दिया गया। तो आपने जो जनता से वादे किए थे कर हटाएंगे, इस पर ही आज परिषद में बैठक का मैंने जनता से यही वादा किया था। हम लोग यहाँ 15 साल से पार्षद थे, हमें नियम कानून सब का ज्ञान है, हमने वादा किया था कि संपत्ति कर को घटाएंगे शासन के माध्यम से, क्योंकि नियम बन गया था, हम उस नियम का उल्लेख करते हुए ही संपत्ति कर का प्रस्ताव लेकर MIC से गए। 25% अगर हम संपत्ति कर घटा रहे हैं तो जो 5 करोड़ का नुकसान बता रही हैं कमिश्नर, सत्ता दल के पार्षद डरे हुए हैं इस योजना से, वो इसलिए डरे हुए हैं कि उन्हीं के शासनकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ये संपत्ति कर लागू किया और उनके विधायक ने।